السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عقبة بن مكرم عمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرني سوادة بن أبي الأسود قال حدثني أبي أن معقل بن يسار مرض فأتاه عبد الله بن زياد يعيده نحو حديث الحسن عن المعقل عن معقل. هم لوگ صحيح مسلم میں كتاب الإمارة سے باب فضيلة الأمير العادل عقوبة الجائر पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कल पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे हाकिम की तारीफ की, लेकिन अगर कोई हाकिम सख्तगीर है, अपने रियाया के साथ खैरख्वाही नहीं करता है और उनके लिए मशक्क़त नहीं बर्दाश्त करता है, तो वह शख्स वईद का मुस्तहिक है, उसके लिए जन्नत में अव्वलीन वाला में दाखिला नहीं है। अगली हदीस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हदीस भी पिछली हदीस का ततिम्मा है, उसी बाब की हदीस है। हज़रत इमाम मुस्लिम मुख्तलिफ सनदों से हदीसों को लाते हैं, लिहाजा यहाँ एक दूसरी सनद से उस हदीस को ज़िक्र कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि मुअक्किल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार हुए और उनके पास उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आए यऊदुहु उनके इयादत के लिए, जो हसन की रिवायत ऊपर गुजरी है मुअक्किल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, नहव हदीथी कह रहे उसी हदीस की तरह से है। और नहव और मिसल का फ़र्क आपने समझ लिया होगा, मिसल अगर अल्फाज वही होते हैं और नहव अगर मफहूम वही होता है, तो कह रहे उसी मफहूम की हदीस ये जो अभी जिक्र की गई है वो भी है, इस सनद से भी है। आगे देखें एक और हदीस है, वो हदीस है सहाबे किराम अगर दूसरों को नसीहत करते थे तो उनका नसीहत का तरीक़ा क्या होता था। قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال اخبرنا الحسن ان عائد بن عمرو رضي الله عنه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رہے ہیں کہ عائد بن عمرو رضي الله عنه اور یہ صحابہ میں سے ہیں وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ صحابہ میں سے ہیں دخل على عبد الله بن زياد عبد الله بن زياد کے یہاں داخل ہوئے عبد الله بن زياد کے یہاں گئے فقال اي بني تو کہا انہوں نے عبد الله بن زياد کو نصیحت کی اي بني اے میرے بیٹے اے میرے بچے انی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا يقول فرماتے ہوئے سنا ان شر الرعائی سب سے برے راعی سب سے برے چرواہے سب سے برے امیر سب سے برے ذمہ دار راعی فی جمع رعا ان شر الرعائی سب سے برے چرواہے سب سے برے امیر الحطمہ سخت گیر لوگ ہیں الحطمہ سخت گیر سختی کرنے والے ظالم لوگ ہیں فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ تو تم بچو کہ اس میں سے بنو تم ان لوگوں میں سے ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ تم اپنے آپ کو حطمہ میں سے مت بنانا سخت گیر لوگوں میں سے مت بنانا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے برا حاکم کہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے برا حاکم کہا ہے فقال له تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا اجلس بیٹھے کہا آپ نے نصیحت کی ہے تشریف رکھیے فانما انت من نخالتی اصحاب محمد یقینا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے نخالہ ہیں نخالہ کہتے ہیں چھلنی میں جو بچ جائے چوکر یعنی آٹا وغیرہ ہم لوگ چھلنی سے چھانتے ہیں تو اس میں جو چوکر وغیرہ بچ جاتا ہے اسی کو نخالہ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ صحابہ میں سے چھلنی میں بچ جانے والے لوگوں کی طرح سے
यानी आप सहाबा में से चंद बचे खुचे लोग हैं जिनकी मिसाल छलनी में बच जाने वाले चोकर की तरह से है। फ़काला, तो सहाबी ने कहा, वहल कानत लहुम नुखाला, और क्या सहाबा में भी चोकर भूसी है? सहाबा में भी चोकर भूसी हो सकते हैं? इन्नमा कानत नुखालतु बादहुम वफी गैरिह, चोकर भूसी तो उनके बाद हुए, उनके अलावा में है। चोकर भूसी तो उनके बाद हुए, उनके अलावा में है। सहाबा तो सब के सब खालिस थे, सहाबा तो सब के सब खालिस थे। तो यहाँ पर उन्होंने नसीहत की कि अगर कोई सख्त गिर है तो उसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्र रिआ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये बुरे लोग हैं। तो किताबुल इमारा से इसका ताल्लुक यह है इस हदीस का कि अगर कोई अमीर बनता है, जिम्मेदार बनता है किसी का, तो उसको सख्त गिरी और जुल्म नहीं अपनाना चाहिए, उसको सख्त गिरी और जुल्म से परहेज करना चाहिए। सहाबी रसूल इसी की नसीहत उनको कर रहे हैं। आगे देखें, आगे यहाँ तो मिजाज की बात बताई गई कि मिजाज अमीर का कैसा होना चाहिए, लोगों के साथ सख्त गिरी वाला उसका मामला नहीं होना चाहिए कि लोग अपनी बात ही उस तक न पहुँचा सकें और लोगों की बात को सुनने वाला ही ना हो, बल्कि लोगों के साथ भलाई करने वाला, उनकी बातों को सुनने वाला और इस अंदाज का मिजाज रखने वाला हो कि लोग अपनी बात मिला झिझक उस तक पहुँचा सकें। आगे बताया जा रहा है कि उसको करप्ट भी नहीं होना चाहिए, उसको खयानत करने वाला भी नहीं होना चाहिए। बाब है बाबो गलत तहरीम गुलूल, कि खयानत करने की हुरमत की अजमत, यानी खयानत करना किस कदर हराम है, किस कदर इसकी हुरमत है। अला वाहदतन ज़ुहैर इब्न हर्ब क़ाल हदथना इस्माईल इब्न इब्राहीम अन अबी हय्यान अन अबी ज़ुरहा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े हुए। ज़ात यौमिन, एक दिन, फ़ज़कर अल-ग़ुलूला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ियानत का तज़किरा किया, आप खड़े हुए और आपने ख़ियानत का तज़किरा किया। फ़अज़्ज़महू वअज़्ज़मा अमरहू, तो आपने उसकी अज़मत बयान की और उसके मामले की अज़मत बयान की कि ख़ियानत कितना अजीम है और उसका अंजाम भी कितना अजीम है, ख़ियानत किस कदर बुरा है और किस कदर उसका अंजाम बुरा है, ख़ियानत किस कदर बुरी चीज़ है और किस कदर उसका अंजाम बुरा है। फ़अज़्ज़महू वअज़्ज़मा अमरहू, तो आपने उसकी सख्ती को बयान किया और उसके मामले की सख्ती को बयान किया। सुम्मा क़ाल, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर आपने फरमाया, ला उल्फियन्ना अहदकुम, मैं ना पाऊँ तुम में से किसी को भी, मैं हरगिज़ ना पाऊँ तुम में से किसी को, यजीउ यौमल क़ियामति, कि वह क़ियामत के दिन आए, अला रक़बतिही बईरुन, उसकी गर्दन पर ऊँट हो, कि वह क़ियामत के दिन आए और उसकी गर्दन पर ऊँट हो, लहू रुगाउन, जो बिलबिला रहा हो, रुगाउन ऊँट की आवाज़, जो बिलबिला रहा हो, ऊँट हो और ऊँट बिलबिला रहा हो, आवाज़ कर रहा हो, यकूलु या रसूल अल्लाह, वो आदमी ऊँट अपने सर पर लादे हुए, अपनी गर्दन पर लादे हुए आए और कहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अग़िफ़नी, मुझे बचाइए, मुझे संजाम से बचाइए, ये गर्दन पर मेरे जो ऊँट लदा हुआ बिलबिला रहा है, इससे मुझे नजात दिलाइए। फ़अक़ूलु ला अमलिकु लका शैयन, तो मैं उससे कहूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी कुदरत नहीं रखता, मैं तेरे लिए कुछ भी कुदरत नहीं रखता, क़द अबलग़्तुका, मैंने तुझे पहुँचा दिया था, मैंने पैगाम तुझ तक पहुँचा दिया था, ला उल्फियन्न अहदकुम यजीउ यौमल क़ियामति, मैं हरगिज़ ना पाऊँ तुम में से किसी को कि वह क़्यामत के दिन आए, अला रक़बतिही फ़रसुन, उसके गर्दन पर घोड़ा हो, लहू हमहमतुन, जो
हिनहिना रहा, हमहमा घोड़े की आवाज़, लहू हमहमतुन जो हिनहिना रहा हो, फ़यकूल या रसूलल्लाह अग़िथनी, और वो आदमी कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए, मुझे इस घोड़े से नजात दिलाइए जो मेरी गर्दन पर सवार है और हिनहिना रहा है। फ़यकूल ला अम्लिकु लका शैअन, और मैं कहूँ कि मैं तेरे लिए किसी चीज़ की कुदरत नहीं रखता, कद अबलग्तुका, मैंने तुझे पहुँचा दिया था। ला उल्फियन्ना अहदकुम यजीउ यौमल क़ियामति, मैं हरगिज़ ना पाऊँ तुम में से किसी को जो क़ियामत के दिन आए, अला रक़बतिही शातुन, कि उसकी गर्दन पर बकरी हो, लहा थुगाउन जो मेमे कर रही हो, लहू थुगाउन जो मेमे कर रही हो, थुगाउन बकरी की आवाज़। यकुल या रसूल अल्लाह यगिथनी, और वह आदमी जो बकरी लाते हुए वो कहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए। फ़ाकुल, तो मैं कहूँ ला अम्लिकु लका शैअन, मैं तुम्हारे लिए किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, तुम्हारे सिलसिले में किसी चीज़ की कुदरत नहीं रखता, कद अबलग्तुका, मैंने तुम तक पहुँचा दिया था। ला उल्फियन्ना अहदकुम यजीउ यौमल क़ियामति, मैं हरगिज़ ना पाऊँ तुम में से किसी को कि वह क़ियामत के दिन आए, अला रक़बतिही नफ्सुन, और उसकी गर्दन पर किसी की जान हो, उसकी गर्दन पर किसी की जान हो यानी किसी का कातिल हो, लहा सियाहिन, और वह चीख रही हो, उसकी गर्दन पर किसी की जान हो और वह चीख रही हो, फ़यकूल या रसूलल्लाह अग़िथनी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बचाइए। फ़यकूल ला अम्लिकु लका शैअन, और मैं कहूँ कि मैं तेरे लिए किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, कद अबलग्तुका, मैंने तुझ तक पैगाम पहुँचा दिया। ला उल्फियन्ना अहदकुम यौमल यजीउ यौमल क़ियामति, मैं तुम में से हरगिज़ किसी को ना पाऊँ कि वह क़ियामत के दिन आए, अला रक़बतिही रिक़ाउन, उसकी गर्दन पर कपड़े हों, रिक़ाउन कपड़े, उसकी गर्दन पर कपड़े हों, तख़फ़िक़ हो फड़फड़ा रहे हों, कपड़े हों फड़फड़ा रहे हों यानी वो कपड़ा ख़यानत किया हो, कपड़ा कहीं से गबन किया हो, रिक़ाउन तख़फ़िक़ हो कपड़े हों फड़फड़ा रहे हों, फ़यक़ूल या रसूलल्लाह अग़िथनी, और वो कहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए। फ़यक़ूल ला अम्लिकु लका शैअन, और मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे लिए किसी चीज़ की कुदरत नहीं रखता, कद अबलग्तुका, मैं तुझे पहुँचा दिया था, पैगाम पहुँचा दिया था। ला उल्फियन्ना अहदकुम यजीउ यौमल क़ियामति, मैं तुम में से किसी को हरगिज़ ना पाऊँ कि वह क़ियामत के दिन आए, अला रक़बतिही सामितुन, उसकी गर्दन पर सामित हो, खामोश रहने वाला माल यानी सोना चांदी हो, उसकी गर्दन पर खामोश रहने वाला माल हो, खामोश माल हो यानी सोना चांदी हो। फ़यकूल, और वो कहे या रसूलल्लाह अग़िथनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए। फ़यकूल ला अम्लिकु लका शैअन, और मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे लिए किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, तुम्हारे लिए किसी चीज़ की कुदरत नहीं रखता, कद अबलग्तुका, मैंने तुम्हें पैगाम पहुँचा दिया था। इस हदीस से पता चला कि अगर कोई आदमी कोई जिम्मेदारी पाता है, मालियाती जिम्मेदारी, तो उसमें ख़यानत का मुर्तकिब उसे कभी नहीं होना चाहिए, उसे ख़यानत नहीं करनी चाहिए। जो जिम्मेदारी उसको मिली है, जिन लोगों के हकूक़ उस पर आयद हुए हैं और हकूक़ उन तक पहुँचाना है, उसको हर हाल में वो हकूक़ साहिब हक तक पहुँचाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है और उसमें से अपना पेट भरता है, ख़यानत करता है, उसका जो वजीफ़ा मुकर्रर है, उसकी जो उजरत मुकर्रर है, उसके अलावा वो उसमें धोखा दही करता है, गबन करता है, ख़यानत से ज़्यादा ले लेता है, ख़यानत करके उसमें से ज़्यादा मार ले लेता है, तो ऐसी सूरत में वह आदमी क़यामत के दिन मदद के लिए पुकारेगा, लेकिन उसकी मदद नहीं की जाएगी। अगर उसने बकरी की ख़यानत की है तो बकरी उसकी गर्दन पर सवार होगी, अगर ऊँट चुराया है तो ऊँट सवार होगा, घोड़ा चुराया है, गबन किया है तो घोड़ा सवार होगा, इसी तरह से सोना और चांदी है तो वो भी उसकी गर्दन पर सवार होगा और उससे वो परेशान होगा, यहाँ तक कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मदद के लिए आवाज़ लगाएगा, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी मदद नहीं करेंगे, कहेंगे मैं तुम्हारे सिलसिले में कुछ भी कुदरत नहीं रखता, मैंने पैगाम पहुँचा दिया था, मैंने ये बात बता दी थी कि ख़यानत करोगे तो उसका अंजाम बड़ा बुरा होगा और आज इस अंजाम को तुम्हें भुगतना पड़ेगा।
आगे की सनद देखें, قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن ابي حيان قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن ابي حيان وعمارة بن القعقاع جميعا عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه بمثل حديث اسماعيل عن ابي حيان. कह रहे हैं कि अगली सनद से जो हदीस है वो भी इसी मफहूम की हदीस थी. قال وحدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ايوب عن ابن سعيد عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلول الله کے رسول صلى الله عليه وسلم نے خیانت کا تذکرہ کیا فعظمه تو اس کو بہت بڑا بتایا. مختص الحديث اور انہوں نے حدیث کا क़स्सा बयान किया यानी इन्होंने हदीस को जिक्र किया. क़स्सा हदीस माने हदीस बयान करना. इमाम मुस्लिम के यहाँ साक़ अल हदीस, ज़िक्र अल हदीस, इक़्तस्सा अल हदीस सब एक ही मायने में इस्तेमाल होते हैं. इन्होंने हदीस जिक्र की, उन्होंने हदीस को बयान किया. قال حماد ثم سمعت يحيى يقول بعد ذلك يحدثه يعني उसके बाद मैंने यहिया से इसके बाद सुना. वो हदीस حدثنا کے ساتھ روایت کرتے تھے. فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه ایوب کہ انہوں نے ہم سے حدیث سنائی اسی طرح سے جس طرح سے ان سے ایوب نے حدیث سنائی تھی. قال وحدثني احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن يحيى بن سعيد سعيد بن حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے اور ان تمام کی روایتیں تقریبا ملتی جلتی ہیں. بنحو حديثهم پیچھے والی جو حدیثیں گزری ہیں اسی طرح کی حدیث ان کی بھی ہے. یہ حدیث نہیں غلول کے سلسلے میں، خیانت کے سلسلے میں کہ اگر آدمی کرپشن کرتا ہے، خیانت کرتا ہے تو اس کا برا انجام اس کو بدنا پڑے گا. آگے جو باب شروع ہو رہا ہے وہ عاملوں کے ہدیہ ہدایہ کا ہے. انشاءاللہ اس باب کو کل سے پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.